फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। आज का हमारा टॉपिक है कि भुर्जी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, भुर्जी जो हमारे प्लॉट्स में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सेंटर लाइन मेथड होता है। सेंटर लाइन को ही हम हिंदी में भुर्जी बोलते हैं। अब ये जो होता है ये क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है साइट पे, कि जो हमारा प्लॉट का आउटर एरिया है वो भुर्जी से डिसाइड होता है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भुर्जी होती क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारी ये भुर्जी होती है जिसके अंदर हमारा ये सेंटर लाइन है, हमारी ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है हमारी, और ये एक लाइन है, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, और ये प्लॉट्स की मार्किंग हो रखी हुई है यहाँ पे। सो अब हम इसके अंदर देखें सेंटर से, तो ये जो प्लॉट एरिया है हमारा, ये प्लॉट एरिया है, हम इसके अंदर ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो पीसीसी आप देख रहे हैं डली हुई है यहाँ पे, इसके अंदर ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इसके बाहर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये किसी और का प्लॉट है। एंड ये भी क्लाइंट के ही द्वारा मार्किंग की जाती है कि जो ये रोड का लेवल है हमारा, सो दिस इज़ आवर रोड लेवल, ये हमारा रोड लेवल है। एंड रोड लेवल से जो हमारा एक्सकेवेशन है वो अप्रोक्स 7.5 फीट है। एंड जो एनजीएल से हमारा एक्सकेवेशन है वो अप्रोक्स 3 फीट है। सो गाइस, इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ एनजीएल क्या होता है। नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, जो प्राकृतिक रूप से ग्राउंड का लेवल बना होता है। एंड वी हैव आवर अनदर भुर्जी यहाँ पे, ये हमारी सेकेंड भुर्जी है। एंड इसके अंदर भी सेंटर लाइन मार्किंग हुई हुई है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। एंड गुनिया में चेक करने के लिए कि हमारा प्लॉट गुनिया में है या नहीं है, हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है, इसको सूत को बांधा है 90 डिग्री में। आपको गुनिया को चेक करने का एक तरीका होता है हमारा 3 4 5 हाइपोटेन्यूज, जो हमारी थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंगली एच स्क्वेयर विच इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, कि अगर हम अपना यहाँ से बेस अगर 3 लेते हैं एंड हमारा परपेंडिकुलर 4 है, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस यहाँ पे होगा वो 5 फीट होगा। आप इसको 5 फीट भी ले सकते हैं, 5 मीटर भी ले सकते हैं, या जो ये सारी वैल्यूज़ मैंने बताई हैं 3, 4 एंड 5, तो आप इसको स्टेबल कर सकते हैं यहाँ पे थ्रेड लगा के। और जो हमारा फिर इसको अगर हम 4 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 मार्क कर देंगे एक, और यहाँ से 4 से हम विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ पे हमारा पूरा 5 फीट आ जाएगा उस वहाँ पे हम थ्रेड को फिक्स कर देंगे, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और हमारा गुनिया में भी आ जाएगा प्लॉट। सो विद द हेल्प ऑफ भुर्जी, भुर्जी से ही हमें पता लगता है कि हमारा प्लॉट गुनिया में है या नहीं है। सो दिस इज़ जो पूरा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया है कि भुर्जी क्या चीज़ होती है, कहाँ क्यों बनाई जाती है और इसके यूजेस क्या हैं। अब ये हमारी थर्ड भुर्जी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस भुर्जी हमने वहाँ पर गुनिया बनाकर कंस्ट्रक्ट करी है। आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गुनिया कैसे चेक की जाती है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है गुनिया चेक करने का, 3 4 5। एंड यहाँ पर हमारी लास्ट भुर्जी बनी हुई है, इससे हमने अगेन गुनिया में मिला के अपनी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली है भुर्जी एक और। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कॉलम एंड ग्रिड प्लेन की ड्राइंग है। अब इसके अंदर जो हमारे पास कॉलम है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें भुर्जी की नीड होगी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे हम भुर्जी की हेल्प से 200% हमारा एक तो प्लॉट गुनिया में रहेगा, और कैसे जो हमारी फाउंडेशन की कॉलम की मार्किंग है वो कभी गलत नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ भुर्जी। क्लाइंट ने हमें एक भुर्जी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दी है, फिर यहाँ से 1 से 2 मीटर दूर हमें सेकेंड भुर्जी कंस्ट्रक्ट करके दी हुई है, एंड अगेन उससे 1 से 2 मीटर दूर इन्होंने थर्ड भुर्जी कंस्ट्रक्ट करके दी हुई है हमें।
हेल्प ऑफ भुर्जी हमें कॉलम का सेंटर लेना है, हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और ये वीडियो थी हमारी कि भुर्जी क्या है, इसके यूजेस क्यों हैं और ये क्यों प्रोवाइड की जाती है।